राजस्थान और गुजरात लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद है मथुरा, पहला स्टॉप मथुरा रहेगा फर्स्ट डे का, 4 दिन का ट्रिप है भाई। ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। ये तो मेरे का जो मैंने प्लानिंग करी है वो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। थर्ड डे का जो अपना रूट रहेगा वो रहेगा सबसे लंबा रूट, मतलब जो अपने 4 दिन का जो रूट रहेगा उसमें सबसे लंबा जो दिन है वो तीसरा दिन है, और बरेली वहाँ है, तो यहाँ तक भी मेरे को ईजिली 4 लेन मिल जा रही है काफ़ी आगे तक। सो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों फिर से अपने नई वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं अब राइड पे जाने वाला हूँ तो पूरी प्लानिंग करके बैठा हूँ, जो हम दिवाली के बाद जो एक सबसे लंबी राइड पे जाने वाले हैं उसकी प्रॉपर रोड मैप के साथ मैं आपको गूगल मैप पे हो या कौन कौन से सिटी से हम क्रॉस करेंगे और कौन कौन से सिटी में हम रुकने वाले हैं और रोड कौन कौन सा रहेगा, किस पाथ से हम जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डीपली डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि जो लाइफ की पहली जो राइड थी बनारस वाली वो 1300 किलोमीटर के आसपास थी आना जाना, और ये अपनी राइड रहेगी उससे डबल, और वो अपनी लिमिटेशन क्रॉस होगी। अब मैं डिटेल में आपको चीज़ें दिखाता हूँ, मैंने अपने इसमें नाम भी लिख के रखे हुए हैं कौन कौन से, और इसमें मैं आपको लैपटॉप में आपको गूगल मैप के सारे लोकेशंस कहाँ कहाँ से जाऊँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपना रूट मैप रहा जहाँ जहाँ से मैं जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ उत्तराखंड साइड पे, यहाँ से मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ वो तो आपको मैं बता रहा हूँ, अहमदाबाद साइड जा रहा हूँ मैं। ये अपना इंडिया का मैप आप इस तरीके से समझो, जैसे कि ये पूरा इंडिया का मैप रहा, वो अपना श्रीलंका ये साइड का जो बॉर्डर वाला इंडियन ओशन वाला पार्ट है, ये देखो हम एकदम ओशन के एकदम करीब जा रहे हैं, ये है अपना गुजरात अहमदाबाद, मैं जहाँ रहता हूँ वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद मैं जाऊँगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद जाऊँगा राजस्थान के अंदर, उसके अंदर उसके बाद जाएंगे हम गुजरात में एंट्री करेंगे। तो ये अपना रूट मैप है, आपको प्रॉपर जूम करके दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से सिटी से जा रहा हूँ। वैसे अब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ रुकने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सितारगंज जहाँ से मैं निकलूंगा, उसके बाद है मथुरा, पहला स्टॉप मथुरा रहेगा फर्स्ट डे का, 4 दिन का ट्रिप है भाई, 4 दिन अलग 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 जगह पे सिटी पे रुकने के बाद मैं वहां तक पहुंचूंगा, 4 डेज का रहेगा अपना ये। पहले दिन हम लोग सितारगंज से निकल के वो जाएंगे मथुरा के अंदर, फिर दूसरे दिन हम निकलेंगे जयपुर के लिए, तीसरे दिन हम लोग निकलेंगे उदयपुर के लिए, और चौथे दिन हम लोग निकलेंगे सीधे अहमदाबाद के लिए। तो ये अपना इस तरीके से हम लोग चलेंगे। पर डे का क्या रूट का क्या कितने किलोमीटर्स रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको मैंने लिख के रखी है पहले से, तो वो चीजें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी आपको वही सेम चीज दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी 4 लेन कितने किलोमीटर तक आपको 4 लेन मिलने वाली है मुझे और कहां पे सिंगल लेन मिलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल मैप पे ऐसे करके दिखेगी और मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला प्लान रहा, और मैं पर डे कितने किलोमीटर बाइक चलाने वाला हूँ वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो होम से लेके मेरे घर से लेके मथुरा कितना किलोमीटर है, उसमें स्ट्रेचेस कितने लंबे पड़ेंगे, उस बीच बीच में कौन से सिटीज आएंगे, मेन सिटीज कौन कौन से मैं क्रॉस करने वाला हूँ, किस एरिया से क्रॉस करने वाला हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डे राइड 299 किलोमीटर्स, जो कि मेरा घर से लेके अपना मथुरा तक रहेगा। होम टू मथुरा लिखा हुआ है इसमें, मैं घर से निकला हुआ हूँ, पहला जो अपने को डेस्टिनेशन पड़ेगा जो मथुरा के मतलब बीच में जो सिटीज़ पड़ेंगे वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं नॉर्मली मानी जानी, जिसको उस सीरीज में उस पाथ में सबसे बड़ी सिटीज़ माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच रहे हैं बरेली, बरेली के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं बदायूं, उसके बाद हम पहुँच रहे हैं कासगंज, फिर पहुँच रहे हैं हाथरस, उसके बाद पहुँच रहे हैं मथुरा। तो ये 1 डे का राइड रहेगा पहले दिन का मेरा घर से निकलने के बाद, जो अपनी अहमदाबाद राइड है उसका पहला दिन का राइड इस सिटी से क्रॉस करते हुए हम लोग मथुरा पहुंच रहे हैं, और जो कि टोटल किलोमीटर है वो हम लोग 1 डे में कवर कर रहे हैं, 300 किलोमीटर के आसपास हम लोग कवर कर रहे हैं एक दिन में सोलो राइड के हिसाब से भाई। और दूसरे दिन हम लोग पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, जैसे दूसरे दिन हम लोग वहां पहुंच के, पहले दिन पहुंचे रात में हमने स्टे किया, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए, सेकेंड डे हम लोग निकले हैं जयपुर के लिए, जो कि आपका मथुरा से लेके जयपुर जो आपको किलोमीटर्स पड़ेगा वो हमको पड़ेगा 221 किलोमीटर्स गूगल मैप के हिसाब से, बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा भी पड़ सकता है, इधर उधर से कभी भटक जाते हैं या कभी कुछ भी हो सकता है, तो हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, बट फिर भी गूगल मैप के हिसाब से 221 किलोमीटर्स इसमें अभी दिखा रहा है मथुरा से जयपुर, जो जिस रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वहाँ जो सबसे पहले मथुरा से जयपुर का जो रास्ता पड़ेगा, सबसे पहले हमको पड़ेगा मथुरा, हमने पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे भरतपुर, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हालेना नाम से कोई जगह है भाई, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा होता है, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे मेहंदीपुर, नहीं मेहंदीपुर से पहले हम पहुंचेंगे महावा, महावा नाम से कोई जगह है वहां पहुंचेंगे हलैना के बाद महावा, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे मेहंदीपुर, जो मंदिर है भाई मेहंदीपुर बालाजी, जो काफ़ी फेमस है मंदिर, नेगेटिव एनर्जी समझ रहे हो ना वो सारी चीज़ें, तो मेहंदीपुर बालाजी हम लोग उस एरिया से पहुंचेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे दौसा नाम से कोई जगह है, उसके बाद हम पहुंचेंगे जयपुर। तो इसके बीच में 6 ऐसी सिटीज़ आएंगे, मतलब टोटल 7 सिटीज़ हैं अपना मथुरा से लेके जयपुर के बीच में, ये
ये 7 सिटीज पड़ेंगे हमको जो क्रॉस करना है। और इसमें से एक यूनिक बात है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तो ऊपर वाले में तो चलो मैंने स्ट्रेटली हम पहुँच गए उस जगह पे, लेकिन यहाँ पे मेहंदीपुर जो है मैं यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाह रहा हूँ, लेकिन उस बीच में जो टाइम है मेहंदीपुर जो वहाँ से 20 किलोमीटर मेन हाईवे से अलग है, 20 किलोमीटर, तो मैं चाह रहा हूँ कि 20 किलोमीटर हम थोड़ा अंदर जाके मैं वो मंदिर देख पाऊँ। रोड के एकदम साइड पे ही है, मतलब सिटीज के अंदर ही पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको मंदिर को अंदर जाना पड़ेगा, एकदम रोड के किनारे पे ही पड़ता है जहाँ तक मैंने मैप पे देखा या अलग वीडियोस में अपने कुछ परिवार के लोग गए हुए हैं, उस तरीके से चीज़ें समझ में आएगी और हम लोग मेहंदीपुर मंदिर को देखेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया दूसरा दिन का जो कि 221 किलोमीटर राइड का, ये अपना दूसरा दिन हो गया। थर्ड डे का जो अपना रूट रहेगा वो रहेगा सबसे लंबा रूट, मतलब जो अपने चार दिन का जो रूट रहेगा उसमें सबसे लंबा जो दिन है वो तीसरा दिन है, जो कि अपना जयपुर से लेके उदयपुर का रास्ता है, वो है अपना 416 किलोमीटर, मतलब 416 किलोमीटर वो राइड है अपना तीसरा दिन का। वो हम कैसे करेंगे वो पता नहीं उसमें, अभी तो फिलहाल ऐसा है अपना और राइड करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो सिटीज़ पड़ेंगे जयपुर से लेके उदयपुर के बीच में, वो है आपका जयपुर, उसके बाद रहेगा आपका किशनगढ़, उसके बाद नसीराबाद, फोर्थ अपना रहेगा विजयनगर, उसके बाद फिफ्थ अपना है बिलवाड़ा, ऐसी कुछ जगह है, उसके बाद सिक्स है अपना नाथवाड़ा। देखो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, मैं अभी थोड़ा सीख रहा हूँ तो, क्योंकि थोड़े से खतरनाक टाइप से नाम है भाई। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे उदयपुर। थर्ड डे का अपना राइड 416 किलोमीटर रहेगा और वो काफी लंबा राइड है अपना तीसरा दिन का, कैसे कवर करना है पता नहीं, मैंने अभी तक 300 किलोमीटर से ऊपर की राइड करी नहीं है और ये उससे मतलब 160 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया, अब कैसे करेंगे पता नहीं। और उस टाइम जो होगा जब हम निकलेंगे उस टाइम दिन भी काफी छोटा होता है, तो वाली दिक्कतें वाली बातें, बट विल डू। तो अपना फोर्थ डे का जो रूट रहेगा वो रहेगा 250 किलोमीटर, मतलब 256 किलोमीटर राइड रहेगा, जो कि उदयपुर से अहमदाबाद फाइनल अपना डेस्टिनेशन रहेगा फोर्थ डे का। पहला अपना उदयपुर तो हम क्रॉस कर दिया, हमने उदयपुर से निकल गए, उसके बाद हम पहुंचे रतनपुर, उसके बाद हम पहुंचे हिम्मतनगर, उसके बाद हम पहुंचे हिम्मतनगर से पहले हम पहुंचे गंबोई, मतलब रतनपुर के बाद हम पहुंचे गंबोई, उसके बाद हम पहुंचे हिम्मतनगर, उसके बाद हम लोग पहुंचे प्रांतिज, उसके बाद अहमदाबाद। तो देखो यार गूगल मैप में जब मैं चीज़ें देख रहा था तो उसमें काफ़ी जगह देखो जहां से मैं आपको दिखाऊंगा एक सिटी के बाद रतनपुर या गंबोई के बाद से अपना जो बॉर्डर होता है वो लग जाएगा अपना गुजरात वाला, तो वो अभी रिसर्च करके देखते हैं वाली बातचीत है। यहाँ पे नाम भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ जब मैं साउथ जाऊँगा तब मैं किस तरीके से चीज़ें होगी प्रोनाउंस करने में। अपने नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ के सारे सिटीज़ के हम इजीली देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा वो होता है भाई, थोड़ा मतलब वो होता है ना खतरनाक नाम है, एकदम दमदार नाम, वाड़ा, नाथवाड़ा, फिर इस टाइप से नाम बड़े मस्त मस्त नाम है भाई वहाँ के, राजस्थान हो गया और। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ डे का टोटल किलोमीटर जो अपना रहेगा वन स्ट्रेच में वो है 1200 किलोमीटर, जो कि अपने मेरे घर से लेके अहमदाबाद रहेगा 1200 किलोमीटर, और आना जाना जो रहेगा टोटल, क्योंकि अगर जा रहा हूँ तो वापस भी आऊँगा, तो उसमें टोटल किलोमीटर रहेगा 2400 किलोमीटर, और उसमें एक्स्ट्रा 50 या 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके चलो, कि कभी हम इधर उधर भटक जाते हैं, या कभी मैंने आपको अभी बताया था कि मैं वहाँ पे मेहंदीपुर भी जा सकता हूँ, तो वहाँ की कुछ किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएंगे आना जाना, 25-25-30 मतलब 50 किलोमीटर हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग और भी जगह छोटा मोटा एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 2500 किलोमीटर हम लोग इस बार राइड करने वाले हैं, पिछली बार से डबल, कैसे होगा पता नहीं बट करेंगे दिवाली के बाद। तो अभी ये डेस्टिनेशन रही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कौन कौन सिटीज़ को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, अब मैं इसमें आपको डिटेल में हर चीज़ दिखाऊँगा कि मैं कौन कौन से रूट को फॉलो कर रहा हूँ, किस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, और फोर लेन कहाँ कहाँ पड़ेगी। ये देखो इस जगह से मैं निकल रहा हूँ, ये मैं अपना सिटी रहा मेरा सारांश लिखा हुआ है, यहाँ से तो अपने को फोर लेन मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ से अपने निकल लेंगे सीधे इस वाले व्यू पे, इस जगह पे अपने को फोर लेन लेने के चांसेस नहीं है। देखो यहाँ पे भी आपको कोई स्ट्रेचेस नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल एकदम जंगल टाइप से रास्ते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेटली चलते जा रहे हैं, पूरा गाँव टाइप एरिया रहा यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको फोर लेन नहीं मिलेगा, आप ध्यान से देखो। फिर यहाँ से हम पहुँच गए इस वाले एरिया पे, यहाँ से अपने को फोर लेन मिलने के चांसेस है, लेकिन इधर भी नहीं रहा 37, ये आपको ध्यान से देख रहे हो, ये एक लेन है, ये एक लेन है, बीच में डिवाइडिंग वाली पार्ट दे रखी है, देखो कर्सर पे ध्यान देना, ये फोर लेन है, इसको कहते हैं फोर लेन, इस तरीके से अपने को फोर लेन मिल जाएगा। अब ये कितने किलोमीटर्स तक मिलेगा वो तो अपने को आइडिया नहीं है, वो हम आप चेक कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेटली हम चलते जाएंगे, और यहाँ से अगर मैं और जूम आउट करूँ तो ये बरेली तक को हमको फोर लेन मिल जाएगा, अगर मैं बरेली जूम करूँ, वीडियो थोड़ी लंबी है बट डिटेल में जाएंगे, कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम सोलो राइड कर रहे हैं, पहले से सारी इन्फॉर्मेशन गूगल मैप में आपको देख लेनी चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से भी। देखो बरेली तक अपने को फोर लेन मिल रही है, ये अपना बरेली सिटी रहा, अब बरेली से बाद हमको काफ़ी आगे निकलें, इधर अगर एक बार फिर से चेक करते हैं,
तो देखो यहाँ पे भी जबरदस्त रोड मिल गई है अपने को, 4 लेन, कोई दिक्कत नहीं। बरेली से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है और बरेली वहाँ है, तो यहाँ कब तक भी मेरे को इजीली 4 लेन मिल जा रही है, काफ़ी आगे तक। अब मैं यहाँ से और आगे जाता रहता हूँ। चलो एक बार ये इससे के बीच में चल के देखते हैं। यहाँ पे अपने को 4 लेन मिल रही है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। ये देखो यहाँ पे भी ट्रक्स चल रही हैं, यहाँ पे भी 4 लेन का हिसाब किताब चल रहा है अपने को। तो काफ़ी आगे तक फर्स्ट डे को अपने को, काफ़ी आगे तक अपने को 4 लेन मिलने के चांसेस है। मैं आपको बताऊंगा एंड में कि 4 लेन के पीछे मैं इतना पागल क्यों हूँ। अब हम पहुँचे कासगंज, जो अपना पहला वो पड़ रहा था ना सिटी। अब यहाँ पे सिटी के अंदर से ही होके तो वह जा रहा है, इसमें कोई तो हाईवे दिख नहीं रही है मुझे। कासगंज को हमने क्रॉस किया, अब हम पहुंचते हैं कासगंज के बाद बदायूं। बदायूं को भी यहां से डायरेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब ये भी हाईवे ही है, 4 लेन होना चाहिए। ये भी चांसेस हैं 4 लेन के, तो ये भी 4 लेन है, अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो ऐसे ही रिसर्च करने में मज़ा आता है। अब हम पहुंचे हाथरस। अब हाथरस हमने क्रॉस करने के बाद, ये रहा आपका हाथरस वाला एरिया पूरा। हम सिटी को हल्का सा क्रॉस करके अगर थोड़े से आगे जाते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 4 लेन। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा है, हाथरस के बाद 4 लेन ख़त्म हो गई है, ट्रेन जा रही है एक लाइन, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है 4 लेन। तो भाई हाथरस के बाद मेरे को 4 लेन मिलना बंद हो गया। तो भाई हाथरस के बाद ये आपको लाइन दिख रही है, ट्रेन लाइन है, यहाँ पे 4 लेन का कुछ नहीं रहा। ये 3530B और आगे जाता हूँ, दूसरा कौन सा सिटी था, यहाँ पे एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो भाई ये देखो सिंगल लेन रही है, आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है, सिंगल लेन है। तो हाथरस के बाद मेरे को सिंगल लेन मिलनी शुरू हो गई है। अब इसके बाद मेरा दूसरा, अब देखो यहाँ पे यमुना नदी भी क्रॉस हो रही है आसपास से। हाथरस के बाद अपने को यमुना नदी भी मिलेगी, जो कि दिल्ली वाली यमुना नदी है, सेम ये देखो नदी अपनी बह रही है। तो यहाँ पे भी अपने को सिंगल लेन ही मिलने वाली है। अब हमने हाथरस क्रॉस करके, नदी भी क्रॉस करके, अब हम पहुँचे हैं भरतपुर। ये अपना भरतपुर लिखा हुआ है, भरतपुर एरिया है पूरा अपना, जो कि फेमस है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। भाई यहाँ पर भी एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे को 4 लेन मिल गई है। भरतपुर के बाद हाथरस और भरतपुर के बीच में सिंगल लेन थी, फिर भरतपुर के बाद अपने को 4 लेन मिल गई है। देखो ध्यान से, तो ये अच्छी बात है। तो ये देखो महावा पहुँच गए हम लोग, महावा में भी हमको 4 लेन मिलेगी, चांस ली अपने को मिल गई। ये देखो 4 लेन मिल गई है। अब महावा के बाद हम लोग पहुँचते हैं, काफ़ी लंबा डेस्टिनेशन कवर करने के बाद दूर चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं 21, इधर भी चांसेस है अपने को मिल गया, इधर भी है अपने को, ठीक है। तो हाईवे तो भाई इस रोड पे बहुत ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं अपने को। अब हम पहुंच गए हैं जयपुर, ये अपने को जयपुर तक तो अपने को 4 लेन इजीली अच्छी मिल गई है। जयपुर से पहले एक बार चेक करते हैं, 4 लेन है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जयपुर तक तो भैया अपने को 4 लेन मिलेगा, बट एक गैप में हाथरस से लेके कासगंज के बीच में अपने को वो मिलेगा सिंगल लेन। अब हम जयपुर से बाहर निकल गए, 4 लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में देखो 48 48 लिखा हुआ, तो ये पूरा नेशनल हाईवे है अपना, तो यहाँ पे तो अपने को 4 लेन मिलने के प्रॉपर चांसेस हैं। यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे अपने को थोड़ा डाउट फील हो रहा है, लेकिन इधर भी है ठीक है। वीडियो लंबी है भाई, देखो डिटेल में इस तरीके से ही जाना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप क्या रिसर्च करोगे, मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, ईजी हो जाएगा सबके लिए। इधर भी है अपने को 4 लेन। अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, अभी उदयपुर पहुँच गए। उदयपुर के पहले भी अगर मैं देखूं तो अपने को 4 लेन ही मिल रही है भाई, इस रोड पे प्रॉपर 4 लेन की रास्ता है। बस थोड़े जयपुर तक पहुंचने में है थोड़ा प्रॉब्लम हल्का सा, उदयपुर पहुंच चुके हैं हम। अब उदयपुर के बाद अपना डेस्टिनेशन गुजरात, गुजरात से थोड़ा पहले मैंने चेक किया, इधर भी 4 लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो राजस्थान और गुजरात लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये रहा अपना बॉर्डर, यहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे रतनपुर के बाद। रतनपुर के बाद अपने को बॉर्डर मिलेगा, ये देखो जो आपको ध्यान से ये छोटी छोटी लाइनिंग्स दिख रही है ना, ये देखो गुजरात बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर ऐसे लिखा रहा है, ये है अपनी बॉर्डर लाइन। और यहाँ पे भी अपने को चेक पोस्ट वाला फीलिंग अगर यहाँ पे देखो तो शायद ये पुलिस क्या है कुछ है, एक बार चेक करके देखते हैं कि ये क्या है। ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। यहाँ कोई चेक पोस्ट टाइप से कोई चीज़ तो मुझे नज़र आ नहीं रही है, बट यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। तो गुजरात में हमने एंट्री कर ली और अपने को प्रॉपर 4 लेन मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अहमदाबाद और इसके बॉर्डर के बीच में, रतनपुर के बीच में अगर मैं यहाँ चेक करूँ इस जगह पे 48 पे, यस प्रॉपर अपने को 6 लेन मिल गई है यहाँ पे भाई। गुजरात पहुँचने वाले 6 लेन मिली है, 4 लेन तो नहीं है, उससे बड़ी है। अब एक गुजरात पहुँच जाते हैं। अब हम अहमदाबाद सिटी से थोड़ा पहले एक बार लेंगे, क्योंकि सिटी में तो अपने को अच्छा रोड मिलेगी चांसेस हैं, बट उससे पहले चेक करते हैं कि अपने को 4 लेन, हाँ यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है भाई। ये अपना पूरा रूट मैप है जो अपने को इजीली 4 लेन हाईवे मिलेगा, बट बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो ये अपनी प्रॉपर वीडियो थी जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया, अपना रूट मैप दिखाया, हर चीज़ दिखाई, कौन से स्टेट से हम होते हुए जा रहे हैं और कहाँ पे अपने को फोर लेन मिलेगी, सारी रिसर्च करके आपको मैंने इस बड़ी सी वीडियो में बताया है। वीडियो लंबी है लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी शायद, जहाँ तक मैंने अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करी है, क्योंकि यही चीज़ अगर आप जाओगे देखोगे सर्च करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और वो मैंने आपको इस चीज़ में सिखा दिया कि कैसे अपने उत्तराखंड से लेके जयपुर, जयपुर होते हुए, उदयपुर होते हुए, मथुरा होते हुए सीधे अपने गुजरात एंटर कर सकते हैं फोर लेन के हिसाब से भी। कहाँ पे क्या इश्यूज होंगे वो तो अभी तो इसमें जो दिख रहा है वो है, अब ये होता है 2-3 साल पुराना अपडेट होता है गूगल मैप पे, कि कितना पुराना वो तो पता नहीं, अब वहाँ जाके पता चलेगा रियलिटी कि अपने को पेट्रोल पम्प कहाँ मिल सकता है, होटल्स कहाँ लिखेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चलते चलते देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप रियलिटी में बेसिस कर पाओगे। ये तो मेरे का जो मैंने प्लानिंग करी है वो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, जो कि अपना ये राइड वाला था, ठीक है। तो ये प्रॉपर वीडियो मैंने आपको बता दी है, अब इसमें भी आपको क्वेरीज होगी तो वो आप बताना, वो मैं आपको पर्सनली बताएंगे हर चीज़ें जब एक्सपीरियंस करेंगे खुद से। अभी बाइक्स में बहुत ज़्यादा काम है वो करवाएंगे, उसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, रैप वगैरह हर चीज़ अभी बहुत काम है बाइक्स में, उसके बाद जाके अपने राइड पर निकलने वाला है। ये अपनी वर्ल्ड मतलब लाइफ की पहली सबसे लंबी राइड होगी, पहले तो हमने करी थी वो वाली, अब एक और पहली जो सबसे इससे भी लंबी होगी, 2500 किलोमीटर्स प्रॉपर राइड, जो कि अपनी उत्तराखंड टू गुजरात रहेगी, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी होगी तो भी अच्छी बात है, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।